किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम मनोज है, मैं जेयू एग्री साइंस हूँ। आज हम पहुंचे सोहेला गांव में, हमारे साथ में हमारे एक प्रगतिशील फार्मर हैं। हमने उनके यहाँ पे जेयू का इकोमैक्स प्लस का एक ट्रायल लगाया है, डेमो लगाया है टमाटर की फसल में, उसका फीडबैक लेते हैं, अनुभव उनका जानने की कोशिश करते हैं, पर्चा लेते हैं। अपना पर्चा दीजिए। दिलीप हटेला जी, जिला जबा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दिलीप जी ये इकोमैक्स प्लस कहाँ से डला है, डेमो कहाँ से डला है, ये दिखाने की कोशिश करें। ये डेमो यहाँ से डला है, इस लाइन से लेके उस लाइन तक डला है। हाँ, इसमें जेयू का इकोमैक्स प्लस डला हुआ है। तो क्या अंतर है इसमें, जिसमें डला है उसमें, रियल में क्या फर्क लगा है? इसमें जड़ों का अंतर है। हाँ, दिखाने की कोशिश करें, जो फर्क हो वो दिखा। इसमें जड़ों का अंतर है, जड़ों का इसमें अंतर है। ये जड़ ज्यादा मात्रा में जड़ है इसकी, ज्यादा मात्रा में जड़ है, और ये पौधा सुरक्षित चल रहा है। पौधा अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है जी। और क्या फर्क दिख रहा है? हरा भरा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है। और क्या अंतर देखिए आपने? हरा भरा दिख रहा है, और फिर बहुत गैर घुमर भी है, मतलब फैलाव ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है। और जिधर छोड़ा है वो भी दिखाने की कोशिश करें साथ के साथ, जिधर नहीं डला है दिखाओ को, किधर? इधर नहीं डला है, इधर नहीं डला है, यहाँ से लेके किधर नहीं डला, इधर नहीं डला, इधर छोड़ा हुआ है। तो इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है इसमें, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। इसमें देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इसमें और क्या अंतर लगे उसकी अपेक्षा? क्या कहना चाहेंगे? जिधर नहीं डला, इधर नहीं डला, इसमें फैला भी नहीं है, जैसे किसी ने बांध रखा है, ऐसा है। आ जाओ। तो आप इकोमैक्स प्लस से संतुष्ट है? संतुष्ट है। बाकी किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप भी डालो, आप भी डालें। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, बाकी में इधर लाइव टेस्टिमोनियल है, किसान मित्र देख सकते हो, ये बिल्कुल एक नहीं, ये 8 लाइनों में डला हुआ है जेयू का इकोमैक्स प्लस। और इसकी ब्रांचिंग है वो ज्यादा मात्रा में, जो तना है वो मजबूत है, और क्लोरोफिल लेवल बहुत अच्छा है इसका, हेल्दी है प्लांट, और बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम कवर हो गई है, और जिधर छोड़ा है वो काफी दूरी पे, डिस्टेंस पे है, और स्टेंस में पौधा रुका हुआ है, और हमारे किसान मित्र हैं वो संतुष्ट है एक इकोमैक्स प्लस से। वो बाकी किसानों के लिए संदेश भी देना चाह रहे हैं, तो सभी किसानों को इकोमैक्स प्लस का फायदा जो दिलीप जी ने लिया वो सभी को लेना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।